जिस चीज में मेरे श्री राम नहीं वो चीज मेरे लिए कोई मूल नहीं रखती। यह कहकर हनुमान जी ने भरी सभा में एक अमूल्य मोतियों की माला को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन आपके अपने शरीर का क्या, कहाँ है उसमें श्री राम? जब हनुमान जी से ये पूछा गया तो बिना संकोच उन्होंने भरी सभा में अपना सीना चीर कर दिखाया। उनके हृदय में श्री राम और माँ सीता की छवि थी। चौदह सालों के वनवास के बाद लंका से विजय होकर लौटे श्री राम का राज तिलक चल रहा था। लेकिन इसी बीच हुए इस प्रसंग ने सभी को हैरान कर दिया। सारी सभा ने हाथ जोड़कर परम भक्त हनुमान को नमन किया। हमने बचपन से रामायण की एक कथा सुनी है, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि रामायण में ऐसी कोई कथा है ही नहीं? रामायण से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिनका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। जो भी शिव जी के वरदान से मिले इस शक्तिशाली धनुष पिनाक को अकेले उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी का विवाह देवी सीता से होगा। यही शर्त थी मां सीता के स्वयंवर की, लेकिन स्वयंवर में शामिल हुआ कोई भी राजकुमार इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया। फिर जब प्रभु श्री राम आगे आए तो उन्होंने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठाया और उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में उस धनुष के दो टुकड़े हो गए। ये देखकर माँ सीता प्रसन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने तो उसी समय श्री राम को अपना वर चुन लिया था जब स्वयंवर से एक दिन पहले उन्होंने पुष्प वाटिका में उन्हें देखा था। सीता स्वयंवर की ये कथा हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार माँ सीता का स्वयंवर कभी हुआ ही नहीं था? वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 67 के अनुसार एक बार राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को शिव धनुष देखने के लिए बुलाया था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण भी उनके साथ जनकपुरी गए थे, लेकिन वहां कोई भी स्वयंवर आयोजित नहीं किया गया था। राजा जनक से धनुष की कहानी सुनने के बाद उनसे आज्ञा लेकर श्री राम ने धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, पर वो टूट गया। वो धनुष इतना शक्तिशाली था कि देवी सीता के अलावा और कोई भी उसे अकेले उठा नहीं सकता था, फिर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इसीलिए श्री राम के पराक्रम को देख राजा जनक समझ गए कि उनकी पुत्री के लिए इससे उचित वर कोई हो ही नहीं सकता। और इस घटना के बाद श्री राम का विवाह माँ सीता से हुआ। तब ना ही कोई प्रतियोगिता थी और ना ही माँ सीता ने उन्हें कभी पुष्प वाटिका में देखा था। जो प्रचलित कहानी हम सुनते आ रहे हैं वो दरअसल संत तुलसीदास जी के लिखे श्री रामचरित मानस से आती है। अगर सीता ने लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो शायद श्री राम और रावण का ये भीषण युद्ध नहीं होता। आपने कई बार लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लक्ष्मण रेखा असल में थी ही नहीं तो? भिक्षाम देही। एक साधु के भेष में छुपा रावण अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने चला था। रावण के इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वो एक सीमा रेखा के सामने कमजोर पड़ गया। लक्ष्मण रेखा एक ऐसी लकीर जिसे लक्ष्मण जी ने माँ सीता की रक्षा के लिए बनाया था। एक शक्तिशाली मंत्र से बंधी हुई उस लकीर को कोई भी पार नहीं कर सकता था। इसीलिए स्वयं लंकापति रावण को भी माँ सीता को अपने साथ ले जाने के लिए छल से उन्हें उस सीमा से बाहर बुलाना पड़ा था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा के बारे में बताया ही नहीं गया है। बल्कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो माँ सीता ने रावण को एक ब्राह्मण समझकर पूरे धर्म के साथ उसका आदर किया था। उन्होंने रावण को अपनी कुटिया में बुलाकर सम्मान से बैठाया, रावण के चरण धोए और एक ब्राह्मण के समान उसकी सेवा करने लगी। वो तो बस ब्राह्मण सेवा का धर्म निभा रही थी। उन्हें कहां पता था कि दुष्ट रावण का मन तो पाप से भरा था और फिर उचित अवसर देखकर उसने माँ सीता का हरण कर लिया। लेकिन इस पूरी घटना में कहीं भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं की गई। लक्ष्मण रेखा की कहानी असल में आती है कृतिवास रामायण से, जो कि रामायण का बंगाली वर्जन है। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पवन पुत्र हनुमान एक शूरवीर योद्धा, भगवान राम के परम भक्त, जो सभी संकटों को हर लेते हैं। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं हनुमान जी की एक अद्भुत प्रतिमा। बजरंग बली की इस प्रतिमा से अपने घर को पावन बनाइए और बल बुद्धि भक्ति के साथ हनुमान जी की महिमा का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAZ10।
इट इज RAAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। जय श्री राम। रावण की मृत्यु की कथा के कई अलग अलग वर्जन हैं। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रावण के पेट में अमृत था और जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके रावण के पेट में तीर मारा तब रावण की मृत्यु हुई। वही कृतिवास रामायण के अनुसार श्री राम ने माँ दुर्गा की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। माँ दुर्गा स्वयं श्री राम के तीर पर विराजमान हुई थी जिसे रावण का वध हुआ। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कथा काफी अलग है। जब श्री राम के सारे अस्त्र रावण के सामने नाकाम हो रहे थे तब उन्होंने ऋषि अगस्त्य से मिले एक शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल किया जिसमें सृष्टि के पांचों तत्वों की शक्ति थी। जैसे ही श्री राम ने उस अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया तो जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। अपनी पूरी ताकत के साथ श्री राम ने उस अस्त्र को रावण के सीने में छोड़ दिया। बिजली जैसे उस वज्र के प्रहार से लंकापति रावण के प्राण निकल गए। रावण के हाथों मां सीता के हरण की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के एक वर्जन के अनुसार रावण ने इससे कई साल पहले श्री राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। कहते हैं कि एक बार रावण ने एक कड़ा तप कर ब्रह्मा जी से पूछा कि उसकी मौत कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि कौशल राज की बेटी कौशल्या और अयोध्या के राजा दशरथ के घर स्वयं नारायण अवतार लेंगे और वही उसकी मौत का कारण बनेंगे। ये सुनकर रावण का मन विचलित हो गया और उसने ठान लिया कि वो किसी भी हालत में इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। जैसे ही रावण को ये बात पता चली वो अपनी राक्षस सेना लेकर अयोध्या चल पड़ा। राजा दशरथ सरयू नदी में अपने कुछ मंत्रियों के साथ नाव पर सवार थे। रावण और उसकी सेना ने उन पर हमला कर दिया और सभी के साथ नाव को नदी के पानी में डुबो दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि राजा दशरथ और उनके एक मंत्री सुमंत्रा टूटी हुई नाव के कुछ हिस्सों का सहारा लेकर अभी भी जिंदा थे। इसके बाद रावण ने कौशल नगर में पहुंचकर राजा कौशल को युद्ध की चुनौती दी और घमासान युद्ध में उन्हें पराजित कर कौशल्या का अपहरण कर लिया। लंका लौटते समय उसने कौशल्या को एक बड़ी संदूक में बंद कर एक विशाल मछली को सौंप दिया और अपनी जीत की खुशी में धुत वो लंका लौट गया। कुछ देर बाद उस मछली का एक दूसरी मछली से सामना हुआ और अपने शत्रु से लड़ने के लिए उस मछली ने पानी के पास एक टापू पर उस संदूक को रख दिया। उसी समय राजा दशरथ और सुमंत्र तैरते तैरते उस टापू के पास पहुंचे और उन्होंने संदूक को खोला। इस घटना के बाद राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में शुरुआत से ही राजा दशरथ के अयोध्या राज और तीन पत्नियों के बारे में बताया गया है, पर उनके विवाह से पहले की ये कहानी हमें आनंद रामायण में मिलती है जिसमें वाल्मीकि रामायण के शुरू होने से कई साल पहले की कथाएं भी लिखी गई हैं। रामायण में हनुमान जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो श्री राम की आज्ञा पर लंका जाना हो या लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए विशाल पर्वत को उठाना, लेकिन ये कार्य करते समय उन्हें कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता था जिसमें से एक था राक्षस काल नेमी। माना जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत की ओर जा रहे थे तब रावण ने काल नेमी नाम के एक राक्षस को उनके कार्य में बाधा डालने के लिए भेजा। काल नेमी ने एक तालाब के पास कुटिया बनाई और साधु का भेष लेकर वहां बैठ गया। जैसे ही हनुमान जी वहां से गुजर रहे थे काल नेमी ने उन्हें रोका और उनसे कहा, आप थके हुए लग रहे हैं, आप तालाब में नहा कर थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लें। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं मैं उसमें आपकी सहायता कर सकता हूँ। हनुमान जी ने आराम करने से तो मना कर दिया लेकिन वो स्नान करने तालाब में चले गए। जैसे ही वो तालाब में उतरे काल नेमी ने अपनी माया से एक मगरमच्छ को तालाब में भेजा और उसे आदेश दिया कि वो उनके ऊपर हमला कर दे। लेकिन महाबली हनुमान जी ने कुछ ही देर में उस मगरमच्छ का वध कर दिया और उसी वक्त वहां से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे मगरमच्छ बनने का श्राप मिला था। अपने श्राप से मुक्ति पाकर उस अप्सरा ने हनुमान जी का वंदन किया और उन्हें काल नेमी की सच्चाई बताई। हनुमान जी तुरंत तालाब से बाहर निकले और उन्होंने काल नेमी के दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़कर उसे हवा में उठाया और जोर से 3-4 बार घुमाकर उसे लंका की दिशा में फेंक दिया। काल नेमी और हनुमान जी की ये कहानी हमें अध्यात्म रामायण की युद्ध कांड में मिलती है, लेकिन इस कहानी का या काल नेमी नाम के किसी भी राक्षस का वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन ही नहीं।
रामायण यानी राम की कथा। ऋषि वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना जाता है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि की आज्ञा से उन्होंने श्री राम की कथा को लिखा था। रामायण एक ऐसी कथा है जो दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन इस कथा को सुनाने का सबका अपना अपना ढंग है। युगों युगों से चलती आ रही इस महान कथा को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है, जिस वजह से आज रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन देखने को मिलते हैं। ये कथा भारत और दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। यही कारण है कि कई प्रचलित बातें और कई अनसुनी कथाएं हैं जो वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के बाद सबसे प्रचलित है श्री रामचरितमानस, जो कि ऋषि वाल्मीकि के बहुत बड़े भक्त कवि तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगर आप ऋषि वाल्मीकि, तुलसीदास जी और ऐसे ही महान ऋषियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही इस पर वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। जय सियाराम।